नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल आज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए एक नई वीडियो लेके आओ दोस्तों। MI नोट 4G मॉडल है, इसका मॉडल नंबर है आप देख सकते हैं 20147072 है। इसका फ्लैशिंग कैसे करते हैं इस वीडियो में आज हम सीखेंगे दोस्तों। इसको फ्लैशिंग करने के पहले आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों। इस मॉडल की फ्लैश फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके बाद आपको इस फाइल को सेट करना है, और सेट करने के बाद आपको तो इस तरह से फोल्डर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको उसका टूल्स ओपन करना है, MI फ्लैशर ओपन करना है। उसके बाद आप ब्राउज में जाके उस मॉडल की इमेज फाइल को सिलेक्ट करना है। इमेज फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको एडवांस सेटिंग में जाके ब्राउज सेटिंग में जाके आपको इमेज डाटा ऑल पे सिलेक्ट करना है दोस्तों। फ्लैश ऑल एक्सेप्ट डाटा स्टोरेज पे आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपको ओपन करना है दोस्तों। थर्ड वाला ऑप्शन है, कोई फर्स्ट वाला भी ले लेता है लेकिन उसको एरर आता है, इसलिए आप थर्ड वाला ऑप्शन लेके उसको ओपन करेंगे दोस्तों। ओपन करने के बाद आपको मोबाइल को फास्ट बूट मोड में डालना है दोस्तों। फास्ट बूट मोड में डालने के लिए आपको वॉल्यूम डाउन की और पावर की को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको मोबाइल को PC को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको कुछ इस तरह से नीचे लिख के आ जाएगा, मोबाइल इज़ कनेक्टेड। उसके बाद आपको फ्लैश करना है। फ्लैश करने के बाद आपको फ्लैश हो जाएगा दोस्तों, मोबाइल फ्लैश होना चालू हो जाएगा। तो आप कुछ देर वेट करिए दोस्तों, आपका मोबाइल फ्लैश हो जाएगा। फ्लैश के लिए ज़रूरी है दोस्तों इस मॉडल का USB ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों इस PC में। अगर USB ड्राइवर आपका इंस्टॉल नहीं है तो ये मोबाइल आपके PC को कनेक्ट नहीं हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए ज़रूरी है कि इसका USB ड्राइवर आपको PC में इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही आपका मोबाइल PC को कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, मोबाइल फुल फ्लैश हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करिए दोस्तों, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करना।